नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल आशा नेगी और ऋत्विक धनंजय के बारे में। टीवी के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल जो कि 8 साल से भी ज्यादा से एक दूसरे के साथ थे, फिर ऐसा क्या हो गया इनके बीच कि इनका ब्रेकअप हो गया? व्हाट वेंट रॉन्ग, जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो। आशा नेगी और ऋत्विक टीवी दुनिया में अपने एक्टिंग स्किल्स और केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। इनका प्यार और क्लोजनेस उनकी फैंस के बीच में काफी मशहूर था, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले उनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई। रूमर्स की माने तो दिस वाज बिकॉज ऑफ आशा एम्बिशन। लोगों ने आशा नेगी को ब्लेम किया क्योंकि उस समय आशा का करियर बहुत अच्छा जा रहा था और उन्हें फिल्म्स भी मिल रही थी। आशा अपने करियर में इतनी बिजी हो गई कि उनके पास ऋत्विक के लिए कुछ टाइम नहीं बचा। वहीं ऋत्विक ने भी और प्रोजेक्ट्स ले लिए, जिस वजह से दोनों के पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा। और आपको तो पता ही है, बिना कम्युनिकेशन के कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हो ही जाती है। दूसरा रीजन ये सामने आ रहा है कि दे ग्रो अपार्ट। टाइम के साथ इंसान की सोच बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती है और समटाइम्स दैट स्पार्क गोज अवे। और इंडस्ट्री कितनी ग्लैमरस है ये तो सबको पता है। हर किसी के पास हमेशा इतने ऑप्शंस रहते हैं, उसमें ऋत्विक और आशा अपने रिश्ते को नहीं बचा सके। थर्ड रीजन जो सामने आ रहा है वो है कि आशा सेटल होना चाहती थी, ऋत्विक से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऋत्विक इस बड़े स्टेप के लिए रेडी नहीं थे और आशा अब ऋत्विक को डेट करते करते थक चुकी थी। वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती थी और जब उन्हें दिखा कि ऋत्विक उन्हें रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ और नहीं दे पाएंगे तो शी डिसाइडेड टू लीव हिम। अब सच क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फैंस की तरह इस प्यारे कपल का ब्रेकअप हमें भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक इंटरव्यू के दौरान आशा ने ये बताया कि ब्रेकअप के टाइम बहुत सारे लोग उनको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे थे, ये बोल के कि रिलेशनशिप खत्म होने की वजह आशा ही है। लोग ये बोल रहे थे कि फिल्म एक्टर बनने की वजह से आशा ने ऋत्विक को छोड़ दिया, लेकिन आशा का कहना है कि उन्हें अब इन ट्रोल से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि व्हाट एवर हैपेंड इट वॉज बिटवीन मी एंड हिम। देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट अमंग अस एंड आई डोंट थिंक एनीवन एल्स शुड बॉदर। वहीं ऋत्विक ने भी इंटरव्यू में बोला, आई कांट बिगिन टू थैंक माई स्टार्स इनफ, नॉट जस्ट फॉर दैट रिलेशनशिप एंड नॉट जस्ट फॉर आशा बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट फॉर एवरी ह्यूमन बींग दैट लव्स द बोथ ऑफ अस टूगेदर। टू डेट आई स्टिल हैव पीपल आस्किंग मी अबाउट द टाइम वी स्पेंट ऑन पवित्र रिश्ता टूगेदर। उन्होंने आगे बोला, माई लव इज सेलिब्रेटेड एंड इट स्टिल हैज विंग्स, आई एम इन अ ग्रेट प्लेस, शी इज इन अ ब्यूटिफुल प्लेस, आई विश द बेस्ट ऑफ हर। तो ये तो क्लियर है कि चाहे दोनों का ब्रेकअप हो गया, दोनों आज भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और कोई बैड ब्लड नहीं है इनके बीच। जहाँ बाकी कपल्स ब्लेम करने लगते हैं, कीचड़ उछालने लगते हैं, वही ऋत्विक और आशा बहुत ही रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स ईच अदर। आपको क्या लगता है क्यों हुआ इन दोनों का ब्रेकअप? डू लेट अस नो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।